राठ की बेटी का मुंबई में आयोजित डांस दीवाने शो में चयन होने पर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। हम आपको मिलवा रहे हैं अलवर राठ क्षेत्र की मोनिका भारती से, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से डांस कला में इस मुकाम को हासिल किया। मोनिका भारती किसी बड़े शहरों से नहीं बल्कि बहरोड कस्बे की निवासी हैं, जिसने लगातार 10 वर्षों की अथक मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल किया। मोनिका का लक्ष्य था कि वह एक बड़े टीवी शो में अपनी कला का प्रदर्शन करे और पूरा देश उसकी कला को देखे। आज मोनिका ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि यदि आपके पास दृढ़ निश्चय और दृढ़ शक्ति है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। छोटे से कस्बे की निवासी मोनिका भारती का 2 जून को कलर्स चैनल पर कार्यक्रम दिखाया जाएगा, जिसमें डांस दीवाने कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों में एक मोनिका भारती भी शामिल है। और यह कार्यक्रम माधुरी दीक्षित के निर्देशन में बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोनिका भारती जो अपनी आंखों से देख भी नहीं पाती, उसके बावजूद मोनिका ने हार नहीं मानी और निरंतर अपनी डांस कला में मेहनत का दौर जारी रखा। मोनिका भारती ने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए खास तौर पर उसकी नानी नाना मामा और शिक्षक गणों का भरपूर सहयोग मिला। क्योंकि मैं यहाँ से छुट्टी लेके जाती थी, लंच के बाद छुट्टी लेके जाती थी, तो ये मुझे छुट्टी दे देते थे, मना नहीं करते थे कभी भी। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि यहाँ तक लेके आई। साथ ही श्रीमती नारायणी देवी कॉलेज चेयरमैन ओम प्रकाश यादव की प्रेरणा से आज यहां तक पहुंची मोनिका का जन्म 8 अगस्त 1996 को छोटे से कस्बे बहरोड में हुआ। बचपन से ही मोनिका अपने नाना नानी के पास रहती है। मोनिका के मामा उमेश कुमार ने बताया कि जब मोनिका 20 दिन की थी तभी से वह अपने नाना नानी के पास रहती है। जब मोनिका 20 दिन की थी तभी डॉक्टरों ने उसे ब्लाइंड भी घोषित कर दिया था। मोनिका भारती ने कक्षा 1 से 12 तक बहरोड के सर्वोदय स्कूल में शिक्षा हासिल की, जहां आज मोनिका का स्वागत किया गया। उसके पश्चात लगातार 5 साल तक अलवर के कला भारती रंग मंच पर डांस की तैयारियों में लगी रही। इसके पश्चात मोनिका ने जयपुर में स्थित कथक केंद्र पर भी लगातार डांस कला को हासिल किया। फिलहाल मोनिका भारती बहरोड के नारायण देवी कॉलेज में सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही है। इस दौरान मोनिका भारती ने श्रीमती नारायणी देवी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर नीलम यादव से तमाम शिक्षकों का भी इस मुकाम में मुख्य भूमिका बताई। आज मैं इस स्टेज पे अपने नाना नानी और मामा लोगों के कारण पहुंच पाई हूँ। थोड़ी मतलब कि ये था, मुझे तो बस डांस का इंटरेस्ट था, जुनून था अंदर से करने का, पर पूरा सपोर्ट उनका रहा है मेरे लिए हमेशा से। क्योंकि अगर वो नहीं करवाते तो मैं कर नहीं पाती, क्योंकि हर ये जो डांसिंग और ये जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, डांसिंग सिंगिंग, इनके अंदर अगर इंसान अकेला तो कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब अगर कोई घर वाले साथ नहीं देते तो वो मुझे हर किसी से तो मिला नहीं, पर मेरे नाना नानी और मामा लोगों से मिला। वो मुझे हमेशा डांस के लिए, मैं जहाँ पे भी डांस करती थी मुझे वहाँ लेके जाते थे, चाहे वो सुबह, कई बार सुबह जाते और रात को हम लोग 3 से 4 बजे आके घर पहुँचते थे, मैं और मेरे मामा, हर कॉम्पिटिशन में लेके जाते। धीरे धीरे मेरा मतलब कि मैं छोटी थी तभी उस टाइम से मैं डांस करने का, मैंने एक दो जगह यहाँ पे कॉम्पिटिशन किया, स्कूल में किया, स्कूल से बाद जो डिस्ट्रिक्ट पे हुआ ही अपने स्कूल ग्राउंड के अंदर, इसमें किया, उसके बाद और मेरा मतलब यहाँ पे फर्स्ट आने लगा, फर्स्ट आया, उसके बाद थोड़ा और अच्छा लगने लगा कि फिर मैंने घर वालों से जिद की कि मुझे सीखना, मतलब कि सीखना है, कहीं अच्छी जगह जाके सीखना है, क्योंकि बहरोड में इतना नहीं सीखने को मिलता और यहाँ पे कोई अकेडमी, कोई इंस्टीट्यूट है भी नहीं इतने अच्छे, मैं कहाँ सीखूँ। उसके बाद मैंने अलवर में कला भारती में सीखा, उसके बाद मेरा अलवर आइडल में सिलेक्शन हो गया। अलवर आइडल के जो ऑडिशन रहे थे उसके अंदर मैं विनर रही थी, लास्ट फाइनल तक मैंने खेला था, और उसके बाद फिर मैंने जयपुर में एडमिशन लिया। 5 साल कला भारती में करने के बाद फिर मैंने जयपुर एडमिशन लिया और जयपुर कथक केंद्र से फिर मेरा कथक स्टार्ट हुआ। पहले कला भारती में ही 5 साल तक कथक किया और उसके बाद जयपुर में एडमिशन लिया। और उसके अलावा जो ये और जो स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह होती हैं इनकी भी तैयारी मैं करती हूँ, और जो क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर रखी हैं, जिमनास्टिक ज्वाइन कर रखा है और कंटेम्प्रेरी वगैरह की क्लास ज्वाइन कर रखी है मैंने जयपुर में। बाकी कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं तो वो उसके लिए मैं दिल्ली वगैरह, गाजियाबाद या जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं जाती हूँ। जब 20 दिन की थी तो इसकी मम्मी को मैंने ट्रेनिंग करवाई नर्स की धौलपुर से, वहाँ मैं इसको ले आ गई। ये लड़की 20 दिन की थी, इसकी मम्मी को मैंने हॉस्टल में डाल दिया था ट्रेनिंग के लिए। तो ये लड़की 20 दिन की थी तब से मैं इसको रख रही हूँ। उसके बाद मैं जब इसी मेरे पास है, फिर ये
थोड़ा वो 20-25 दिन की हुई, 10-15 दिन बाद में इसके बुखार आ गया तो मैं डॉक्टर के ले गई धौलपुर में। डॉक्टर बोला कि इसके मतलब वो जब आँखें लगाने वाला ऐसे लगाया तब बोले कि ये बच्ची मुझे ब्लाइंड लगती है। मैंने डॉक्टर साहब आप ये मजाक मत करो, मेरी बेटी की तो आँख सही है। कि नहीं आप पहले वहाँ आँखों वाला के ले जाओ। मैं आँखों वाला के पास ले गई, वो बोले ये बिल्कुल ब्लाइंड है। मैं वहाँ से रोने लग गई। डॉक्टर बोला कि रोने की ज़रूरत नहीं है, इसको दिखाओ और इसकी आँखें बन भी नहीं सकती है, आप कहीं भी डोल लो क्योंकि अंदर इसके रोशनी नहीं है। वहाँ से हम आ गए, फिर इसकी मम्मी को खबर पड़ी, वो रोई तो रोई तो मैंने कि रोआ मत दिखाएंगे। इसको खूब दिखाया, जब से ये बच्ची मेरे पास है फिर इसको लेकर के ये अपने ससुराल चली गई। ससुराल वालों ने कही कि मतलब कहाँ इसके दादा दादी ने कि कहाँ इसकी उंगली पकड़े घूमेंगे, चलो इसको देखते हैं दिखाते हैं दिल्ली में कराते हैं, दिल्ली में कुछ दिखाएंगे। तो मेरे को पता पड़ा कि दिल्ली ले जा रहे हैं। मैंने सोचा कि ये पता नहीं कहाँ दिखाए, मेरे को मैं चलूँगी साथ। वे लोग मेरे को नहीं ले गए दिल्ली, मेरे को बस वहाँ से तार दी। तो मैंने लड़की को लेकर के तभी से मेरे पास है, उनसे मैं दिखाऊँगी खुद में, या मैं तो तुम्हारे मेरे को ले चलो साथ में, या फिर तुम अकेले जा रहे हो, तुम अकेले को बच्ची को नहीं दूँगी क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है। और मोनिका बचपन से जब से 20 दिन की थी तब से हमारे पास में रह रही है और इसका जीवन पूरी तरह से संघर्ष और स्ट्रगल से भरा रहा है। क्यों? क्योंकि 20 दिन की उम्र में जब एक दिन इसको बुखार आ गया, डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इसे दोनों आँखों से दिखाई नहीं देता। उसके बाद में 6 महीने की अवस्था में इसका ऑपरेशन करवाया गया अमृतसर में डॉक्टर दलजीत सिंह के द्वारा किया गया। फिर इसको बहुत इसके आँखों में लेंस डाले गए, इसको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल माइनर नज़र आने लगा, लो विज़न हो जाती, बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। लेकिन सर्वोदय बाल भारती स्कूल में पढ़ने के दौरान और ये जो है अपने डांस की तरफ इसने अपने आप को मोटिवेट किया और डांस की एक्टिविटीज़ के अंदर इसने अपने आप को इन्वॉल्व किया। वहाँ पर होने वाली हर एक छोटे बड़े कल्चरल और जो दूसरी करिकुलम एक्टिविटीज़ थी उनमें पार्टिसिपेट करती, चाहे वो किसी भी ओकेजन पर हो। और उस स्कूल का पूरा स्टाफ और विशेषकर डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल साहब, उन्होंने इसको हमेशा सपोर्ट किया। दूसरा, फिर उसके बाद में कॉलेज में चली गई है, अभी वर्तमान में श्रीमती नारायणी देवी पीजी कॉलेज के अंदर स्टडी कर रही है और वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर नील स्टाफ इसे पूर्ण रूप से हर समय इस प्रकार के एक्टिविटीज़ के लिए प्रमोट करते हैं। और इसके अगर हमें एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो इसका जो कैरियर है वो इसने यहाँ भैरोड जैसे छोटे क्षेत्र से शुरू करके और अलवर में जो कला भारती रंगमंच है उसको ज्वाइन किया और वहाँ से अपनी एक्टिविटीज़ को सीखा इसने, डांस की एक्टिविटी को 5 साल तक वहाँ पर इसने कंटिन्यू ट्रेनिंग ली।